कोई आइसक्रीम लेने आया तो कोई पूछा कि तुम यहाँ से तुम्हारा धर्म क्या है, तभी हम लेंगे। कुछ नहीं पूछता, कोई मुस्लिम नहीं पूछता है, कुछ नहीं पूछता। तो नाम लिखो, क्यों लिखो, दुकान के नाम चेंज कर दो। अब सोचिए क्यों करो, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, बस परेशान करने के लिए कि नहीं, यहाँ से हिंदू को पता होना चाहिए कि हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है। इंसान का दुकान है, इंसान का दुकान है। जाहिर सी इलाकों में नहीं पूछा जाता कि आपका नाम गोविंद है या आधार कार्ड दिखाइए, किसी इलाकों में नहीं पूछा जाता। यही दिल्ली, ये बस ये पूछा जाता है कि सिर्फ आप इंसान हैं, हाँ इंसान है, और आइसक्रीम कैसी है, क्या बहुत अच्छी है, फैलाते क्या है ना गोविंद जी, नफरत वो फैलाते हैं जो कम पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होते हैं, जाहिल होते हैं, उनके द्वारा फैलवाया जाता है, वो फैलवाए थी। चलिए गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहिए और बिल्कुल मजे में एकदम कारोबार करने का। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार जी, जी बस जल्दी बोलिए। वैसे और कुछ आप कई सालों से यहाँ पर आइसक्रीम का है और ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, बिल्कुल है। अब बताइए, आप गोविंद जी हैं, कभी भी कोई आइसक्रीम लेने आया तो कोई पूछा कि तुम यहाँ से तुम्हारा धर्म क्या है, तभी हम लेंगे। कुछ नहीं पूछता, कोई मुस्लिम नहीं पूछता है, कुछ नहीं पूछता। तो ऐसे ही क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना, क्या हुआ कि वहाँ पे कावड़ के नाम पर जो है ना, सब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उसको कह रहे हैं कि यहाँ से तुम अपना नाम लिखो, क्यों लिखो, दुकान के नाम चेंज कर दो। अब सोचिए क्यों करो, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, बस परेशान करने के लिए कि नहीं, यहाँ से हिंदू को पता होना चाहिए कि हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है। इंसान का दुकान है, इंसान का दुकान है, जाहिर सी बात है। अब देखिए गोविंद जी इतने सालों से यहाँ पे मुस्लिम इलाके में काम कर रहे हैं और इनसे कोई नहीं पूछता। कितना कर रहे हैं आप? 110 और 20, 130 हो गए। 130 हो गए जी। चलिए 130 हो गए, मैंने आपसे आइसक्रीम भी ले लिया और आपसे बातचीत भी हो गई। तो यही बात समझना है लोगों को कि देखिए मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं पूछा जाता कि आपका नाम गोविंद है या आधार कार्ड दिखाइए, किसी इलाकों में नहीं पूछा जाता। यही दिल्ली, ये बस ये पूछा जाता है कि सिर्फ आप इंसान हैं, हाँ इंसान है, और आइसक्रीम कैसी है, क्या बहुत अच्छी है। तो इसलिए यहाँ से अच्छा लगा आपसे मिलके गोविंद जी, और बहुत बढ़िया ऐसे काम करते रहिए। ये चाहे हम सब इंसान हैं, कोई भी धर्म से हो, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी और नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये पूरा मुसलमानों के इलाका, आपके सारे कस्टमर ज़्यादातर जो है मुसलमान ही होते होंगे, सब लगभग होते हैं। तो कभी यहाँ से हम नहीं चाहते कि कोई आपका धर्म पूछे, कोई आपको ये करे, कोई नफरत ही नहीं है, हमको तो सिर्फ आइसक्रीम से मतलब है। क्या अब यही बात जो है ना, कुछ लोगों को समझाने की ज़रूरत है सोशल मीडिया पे, जो नफरत फैलाते हैं, क्या है ना गोविंद जी, नफरत वो फैलाते हैं जो कम पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होते हैं, जाहिल होते हैं, उनके द्वारा फैलवाया जाता है, वो फैलवाए थी। चलिए गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहिए और बिल्कुल मजे में एकदम कारोबार करने का। चलो दोस्त, ठीक है दोस्त, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? नवीन कुमार यादव। नवीन कुमार यादव जी, ठीक है, बेधड़क बेचो एकदम, कोई परेशान नहीं करे। क्या डॉक्टर से बात करें, कैसा लगा आपको? यही है, देखिए वो तो चूंकि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है कि आप मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी बेधड़ल्ले के साथ, चाहे आइसक्रीम के ठेले वाले हों या फल वाले हों, बिना किसी रोक टोक के, किसी बगैर नफरत के, आराम से अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी आर्थिक रोज़ी रोटी कमाते हैं। इनके बच्चे हैं, कोई इनके पेट में लात मारने नहीं जानता, कोई इनसे नहीं पूछता कि तुम आधार कार्ड दिखाओ या तुम्हारा धर्म क्या है या वहाँ नाम यहाँ पे लिखो। कोई पूछा, हमने भी आइसक्रीम ले लिया, पैसे भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही हिंदुस्तान है, लेकिन पता नहीं किस तरह का नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अल्लाह ही जाने। इसलिए इस देश को बचाने की ज़रूरत है, अभी भी समझने की ज़रूरत है कि हम नफरत नहीं करते किसी से, आप भी मत करिए। और सोशल मीडिया पे जो लोग इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, उनको बचना चाहिए, वरना जब पलट के आता है तो कर्मा बहुत कुछ वसूल करके ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।